वास्तव में पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी इससे बेहतर T20 में नंबर 5 पर नहीं हो सकती। यह सही है कि रिंकू सिंह पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी में 50 नहीं जड़ सके, लेकिन जो अंदाज उत्तर प्रदेश के इस लेफ्टी बल्लेबाज ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में दिखाया, उसने एक बात बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर दी कि उनका भविष्य न केवल भारत लिए बहुत ही उम्दा है, बल्कि आने वाले समय में उनके बल्ले से ऐसी कई पारियां देखने को मिलेंगी। रिंकू ने बहुत हद तक वैसा ही अंदाज दिखाया जैसा इस साल IPL में कई मैचों में दिखाया था। रिंकू ने ऐसा प्रचंड प्रहार आयरिश बॉलरों के खिलाफ लगाया कि देखते ही देखते उन्होंने अपने और टीम के स्कोर को रॉकेट कर दिया। भारतीय पारी के 18वें ओवर का स्कोर 4 विकेट पर 143 रन था। तब दुबे और रिंकू 15 गेंदों पर इतने ही रन बनाकर खेल रहे थे। आखिरी 12 गेंद बाकी बची थी और यहीं से रिंकू ने स्कोर को रॉकेट कर दिया। पहले मैच के प्लेयर ऑफ दी मैच मैकार्थी पारी का 19वां ओवर लेकर आए तो रिंकू ने इस ओवर में 2 छक्के और एक चौका जड़ते हुए फैंस को झूमने पर मदहोश कर दिया। इस ओवर में उनके प्रहार से भारत ने 22 रन बटोरे और देखते ही देखते भारत को वह स्कोर मिल गया जिसकी उम्मीद फैंस रिंकू की शुरुआती बैटिंग देखते हुए नहीं कर रहे थे। पारी के आखिरी ओवर में आउट होने से पहले रिंकू ने मार्क एडेयर के खिलाफ भी छक्का जड़ा और जो रिंकू एक समय 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे थे, चंद ही गेंदों के भीतर उन्होंने 21 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों से खुद का स्कोर तो रॉकेट किया ही, तो टीम इंडिया को स्कोर को भी ऊपर की ओर चढ़ाते हुए 185 के स्कोर तक पहुंचने में खासी मदद की। बीच में वाइड गेंदों और शिवम दुबे के खेलने से ब्रेक जरूर आया, लेकिन यह इसी दौरान लगातार गेंदों पर आए रिंकू के 4, 6, 6, 1, 6 का ही असर रहा कि उनका और टीम का स्कोर रॉकेट हो गया।